स्मार्टकट प्रो 9.0 के अंदर बैच एक्सपोर्टिंग कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो मुझे अभी कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्टिंग लगाना है, तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट्स को ऐड करता हूँ। मुझे सिंगल प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं सिंगल भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्टिंग लगाना है तो मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने 1, 2 और 3 प्रोजेक्ट को सिलेक्शन लिया और यहाँ पे ऐड किया, ओके क्लिक किया, यस क्लिक किया, ओके क्लिक किया और यस किया, और मैंने इसका पाथ सेट किया, ओके क्लिक किया। आपका ये तीनों प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको कंपलसरी यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, यानी आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने हैं। आपको मेक श्योर आपका ये सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, यानी तीनों प्रोजेक्ट का मैंने सिलेक्शन लिया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक किया। अब मेरा ये एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस चालू हो गया। सो आप देख पा रहे हो कि ये मेरा जितने भी क्लिप सिलेक्शन है, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्शन लिए हैं, वो सारे प्रोजेक्ट मेरा एक एक करके एक्सपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो हम वेट करते हैं एक्सपोर्टिंग का। सो देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे मेरा डन का मैसेज आ गया। अब मेरे ये तीनों प्रोजेक्ट मेरे एक्सपोर्ट हो चुके हैं, राइट। अब मुझे इसके अलावा भी एडिशनल कुछ यूज़र सेलेक्शंस के अनुसार मुझे एक्सपोर्टिंग लगानी है। यूज़र सेलेक्शन मतलब मुझे, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर प्रोजेक्ट लिए, मैंने 3 प्रोजेक्ट अलग अलग लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लिए, मैंने यहाँ पे ऐड किया, यस क्लिक किया, ओके क्लिक किया और ये पाथ सेट किया। अब मुझे मेरा क्लाइंट का, सपोज़ करो मेरा एक 4 नंबर का क्लाइंट अर्जेंट है और ये 6 नंबर का क्लाइंट अर्जेंट है, मैंने इन दोनों का सिलेक्शन लिया और यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक किया। स्टार्ट बटन क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपका जो प्रोसेस है, यानी जो एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। तो आप देख पाओगे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी मेरा पहला 4 नंबर होगा और उसके बाद 6 नंबर होगा। और इसी तरह अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट को सिलेक्शन रखा है तो उसके बेस पे, सिलेक्शन बेसिस प्रायोरिटी एक्सपोर्टिंग यहाँ पे 9.0 के अंदर दिया गया है। सो फाइनली ये हमारा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मुझे कोई दूसरा क्लिप को, यानी अगर मेरा ये जो रिमेनिंग क्लिप है, मुझे इसको अगर एक्सपोर्टिंग लगानी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस से यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं बाहर गया और इसको मुझे क्लोज करना है और मुझे वापस से इसको एक्सपोर्ट लगाना है, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है और देन स्टार्ट बटन भी क्लिक कर देंगे। सो इस तरह से आप एक एक करके 3 अलग अलग तरीके से आप एक्सपोर्टिंग लगा सकते हो स्मार्टकट प्रो 9.0 के अंदर।